मुस्लिमों के साथ जाती हो रही, आप एक फौज में है, फौज में आपको किस तरह से क्या कहेंगे जी? झाती या तासुब ये एक ही बात एक ही है, वो सोसाइटी का नियम है, वो तो होता है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ नहीं, जैसे मैंने कहा वहाँ पे दलितों के खिलाफ नहीं, किसके साथ? जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कम मजबूत हैं। अब जाहिर सी बात है, आपके पास कोई आएगा जो काबिल नहीं होगा, आप करोगे तासुब नहीं करोगे, आप सुनोगे नहीं, अपने अपने ग्रुप में शामिल नहीं करोगे आप। इसके लिए मैं बहुत ज़रूरी बात कही कि तीन चीज़ें हैं जो मुसलमान कौम को सोचनी है, समझनी है और इसके बारे में अमल करना है। वो तीन चीज़ें क्या हैं जिससे कौम मजबूत हो सकती है? तालीम, एजुकेशन, दूसरी बात एजुकेशन, और तीसरी बात भी तालीम है, एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन की कमी है इसलिए अच्छी नौकरियाँ नहीं मिलती, अच्छी नौकरियाँ की कमी है इसके लिए पैसे नहीं आते, पैसे नहीं आते तो बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज नहीं पाते। अब बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज नहीं पाते भाई, हम पीछे रहते हैं। अगर भलाई रात को हम दाल रोटी खा के सो जाएं, सूखी चटनी खा के रोटी रात सो जाएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं, हमारी कौम पीछे नहीं रहेगी। तो इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई जाती या तासुब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ में है। किन के साथ में? जो कम पढ़े लिखे हैं, और हम लोग बड़े अफसोस की बात है कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह और दिखा देंगे दुनिया को कि हम अच्छे पढ़े लिखे हैं। हम भी जैसे अलामा इकबाल ने कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बदले से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मेजर मोहम्मद अली शाह है।